बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। हल सदे हट वनी साध संगत में मेट ज मन जी मल। सेवा कर सेवक बणी छदे वल ऐ छल। तेऊ पाए अटल पूरण पद परतीत सा। पूरण पद परतीत सा। पूरण पद परतीत सा। ते कम कर हर वार त्रेऊ मानुष देह में। एकरो विरह वैराग तू अखियन मंझ विहार। जो भक्ति है भावसा भगवत नाम उचार। त्यों हृदय में धार सच्चो ज्ञान स्वरूप जो। सच्चो ज्ञान स्वरूप जो। सच्चो ज्ञान स्वरूप। हेठा हो थी हल छदे हट होण जो। नम्रता को धारण करने का उपदेश गुरु महाराज इस श्लोक में दे रहे हैं। अपना अहंकार देह अध्यास उसको समाप्त करके नम्रता धारण करो। वनी साध संगत में मेटज मन जो मल। मन की मैल सत्संग के द्वारा ही दूर होगी। उन संतों का संग करके मन की मैल को दूर करो। सेवा कर सेवक मणि छदे वल ऐ छल। छल कपट को त्याग के संत महापुरुषों की निष्काम सेवा करो। ट्रेऊ पाए अटल पूर्ण पद प्रतीत सा। अटल पदवी और अक्षय पदवी को प्राप्त करो। जिसका कभी क्षय न हो जिसका कभी नाश न हो ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त करो। टेकम कर हर वार ट्रेऊ मानुष देह में। इस श्लोक में गुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं कि तीन कार्य हमेशा करने चाहिए। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हिकरो विरह वैराग तू अखिन मंज विहार। अपने मन में वैराग्य बसा दो। नेत्रों में वैराग्य को बसा दो। संसार की आसक्ति का त्याग दो। व्यो भक्ति है भाव सा भगवत नाम उचार। श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक उस परमात्मा के नाम का सुमरण करो। त्यों हृदय में धार सच्चो ज्ञान स्वरूप जो। और तीसरा कार्य ये करो कि अपने हृदय में उस सत्य स्वरूप का ज्ञान आत्मस्वरूप का ज्ञान बिठा दो। मन को दृढ़ निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। ये तीनों कार्य प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य देह धारण करके करने चाहिए।
अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषनी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में
सिंधी अमरा परवाणी, हिंदी अमरा परवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।